उत्तराखंड में देहरादून समेत 8 जिलों में आज भारी बारिश का पूर्वानुमान है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और ऊधमसिंह नगर के लिए मौसम विज्ञान केंद्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजधानी में भारी बारिश का आशंका को देखते हुए देहरादून नगर निगम क्षेत्र, झाझरा और रायपुर ब्लॉक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में मंगलवार को अवकाश घोषित किया गया है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी गर्जन और आकाशीय बिजली के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अभी अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश का दौर रहने के आसार है। भारी वर्षा के दृष्टिगत संवेदनशील स्थलों पर भूस्खलन की संभावना बढ़ जाती है, इससे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित हो सकती है। उत्तराखंड में देहरादून समेत 8 जिलों में आज भारी बारिश का पूर्वानुमान है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और ऊधमसिंह नगर के लिए मौसम विज्ञान केंद्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजधानी में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए देहरादून नगर निगम क्षेत्र, झाझर और रायपुर ब्लॉक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में इस खबर की अधिक जानकारी देने के लिए तारिक अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक अंसारी जी, इसकी अधिक जानकारी देंगे आप उत्तराखंड में मौसम को लेकर। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम गड़बड़ाया है। मौसम विभाग ने जो है 8 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जो है फिर दोबारा जो है चेतावनी दी है भारी बारिश से। मैं आपको बता दूं, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, ये तमाम जिले ऐसे हैं। इसके अलावा गढ़वाल की अगर बात करूँ, देहरादून में भी जो है शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि भारी बारिश का अलर्ट जो है मौसम विभाग ने जारी किया है। इसके अलावा ये चेतावनी दी गई है लोगों को जो पहाड़ी के आस पास रहते हैं कि पहाड़ी से जो है दूर रहे, क्योंकि लैंडस्लाइड हो सकती है। अभी की मैं बात बताऊं आपको, तो अभी लगातार यहां पर जो है राजधानी में भी मौसम खराब बना हुआ है। बारिश कुछ इलाकों में बारिश यहां पर हो रही है, तो लगातार मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन भी जो है अलर्ट मोड पर है, ताकि जो है अगर कहीं कोई घटना होती है तो उसे संभाला जा सके। जी, अधिक जानकारी देने के लिए तारिक अंसारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।